सो गाइस आप लोग पबजी एंड फ्री फायर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो बहुत आसानी से कर लेते हो, बट आपकी जो वीडियो होती है उस वीडियो के अंदर आपकी पबजी रिकॉर्डिंग हो चाहे आपकी फ्री फायर रिकॉर्डिंग हो, लेकिन आपकी वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होती। आपकी उस वीडियो में बाहर की भी आवाज़ आती है एंड मोबाइल के अंदर की भी आवाज़ आती है। इस वजह से आपकी पबजी एंड फ्री फायर के जो अंदर के गन साउंड होते हैं उनकी वॉइस साफ नहीं आती। तो आप लोग PUBG एंड फ्री फायर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें जिससे कि आपके मोबाइल की अंदर अंदर की वॉइस आए, बाहर की वॉइस ना आए। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, वीडियो को स्किप मत करना। सो गाइस सबसे पहले आपको एक एयरफोन लेने हैं। मैंने ये एयरफोन ले लिया है एंड इस एयरफोन को मैंने मैनेज भी किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसकी रिपेयरिंग की है क्योंकि मैं PUBG की वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे को यही प्रॉब्लम होती थी जो आपको हो रही है, और ये ट्रिक आपको YouTube पर किसी ने भी नहीं बताया। तो मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको यहाँ से ओपन किया एंड इसके अंदर यहाँ पर एक माइक होता है, वो मैंने निकाल दिया। अब माइक कैसे निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड एयरफोन ले रहा हूँ, इसका माइक मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा आपको माइक कैसे निकालना है। और गाइस इससे आपको मैं बता दूँ, इससे आपके मोबाइल की अंदर की ही वॉइस आएगी एंड जो आपके मोबाइल की बाहर की वॉइस होती है, जो आप बोलते हो या फिर आपके आसपास कोई बोलता है, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी PUBG एंड फ्री फायर की ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी एंड वॉइस भी अंदर की ही रिकॉर्ड होगी, इससे आपके गन साउंड एकदम साफ आएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम एयरफोन से माइक को बाहर निकालते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मोबाइल मैकेनिक की शॉप पर। मैंने इनसे बोला है कि आप इस एयरफोन से इस माइक को बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस एयरफोन को ओपन करते हो तो एयरफोन में आपके एक माइक होता है। अब इस माइक को आपको निकालना है, आप घर पर मत निकालना, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। आप टंकी वगैरह हटा दोगे एयरफोन के तो आपको मैकेनिक के पास ही जाना है, उसको बोल देना है ये माइक बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर इनके पास सभी औजार वगैरह होते हैं, घर पर आपके पास नहीं होगे मेरे को पता है। तो मैंने इनसे बोला है कि आप इस माइक को हटा दीजिए और ये एक सेकंड में हटा देते हैं। आप देखना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड लगती है, इन्होंने माइक को हटा दिया। अब आप देख सकते हो माइक एक साइड में रखा हुआ है और यहाँ पर हमने यहाँ से इस माइक को निकाला है। उसके बाद हम इस एयरफोन को यहीं पर बंद कर देते हैं जिससे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका कोई टंका वगैरह हट जाए और फिर मेरे को वापस आना पड़े। मैंने इनसे यहाँ पर इस एयरफोन को बंद करवा दिया है। इस तरीके से आप भी वहीं पर ही करवा लीजिए। तो गाइज हमारी एयरफोन तो सेट हो चुकी है एंड उसके बाद आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन कर दो उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे ही आप ये सर्च करते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने काफ़ी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस ऐड को हम करते हैं स्किप। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर आपको ये सब सेटिंग कर लेना है जो मैंने किया हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान से देखना और यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो हमेशा ऐप का बंद आता है तो इसको आपको ऑन कर लेना है। तो ये सब आपको सेटिंग कर लेना है, मैंने किया हुआ है इस तरीके से। आप ये सब सेटिंग इस ऐप में कर लेना, मैंने भी इसी को ही डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और मैं अपनी PUBG वीडियो को इससे ही रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे सेकंड चैनल पर मेरी PUBG वीडियो चेक कर सकते हो। जैसे ही आप PUBG ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको उस एयरफोन को मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस एयरफोन को इस मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके भाई ने इस एयरफोन को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो फाइनली मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद आपको PUBG ओपन करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर TDM स्टार्ट करता हूँ, जो भी आप करना चाहते हो आप कर लेना। मैंने यहाँ पर TDM स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर आपको गन साउंड चेक कराऊंगा एंड आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, आपको सिर्फ मेरी वॉइस आ रही है एंड आपको इसकी रिकॉर्डिंग में मेरी वॉइस नहीं आएगी। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको सिर्फ अंदर TDM की ही वॉइस आ रही है। तो यहाँ पर हमारा TDM स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं गन चेंज कर लेता हूँ एंड आप यहाँ पर गन साउंड सुनिए, आप ही बताइए आपको गन साउंड कैसे आए। क्या आपको साथ में मेरी भी वॉइस आ रही है? नहीं आ रही होगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ आगे की ओर और यहाँ पर मैं आपको एक दो किल करके दिखाऊंगा, देखते हैं किल कर पाऊंगा या नहीं। ओ भाई ओ भाई reloading
फाइनली आपके भाई ने यहाँ पर एक किल कर दिया है। तो गाइज आपने पबजी के गन साउंड तो सुनी लिए हैं एंड आपको मोबाइल से बाहर की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की अंदर की ही आवाज आ रही है। तो गाइज ऐसे ही आप इस एयरफोन से पबजी या फ्री फायर की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ में वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपके जो वॉइस है वो सिर्फ अंदर मोबाइल की आएगी, बाहर की वॉइस नहीं आएगी, और इससे आपके गन साउंड भी एकदम साफ आएंगे और कोई भी आपको बैकग्राउंड में नॉइज नहीं आएगी। तो गाइज इस तरीके से आप पबजी एंड फ्री फायर की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ रहा है, पबजी की वीडियो एडिटिंग कैसे करें। तो आप कितने एक्साइटेड हो पबजी की एडिटिंग सीखने के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वीडियो और जल्द लेकर आऊंगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।